सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। हक मगफिरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को सख्त फौजी महासरे में सपुर्द खाक कर दिया गया। वर्सा ने सैयद अली गिलानी के जैसे खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेट रखा था। लाकिन के इसरार के बावजूद काबिज़ इंतजामिया ने सैयद अली गिलानी को शहदा कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त ना दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज की कॉल दे दी और तालिबान भी कश्मीरियों की हिमायत में बोल उठे। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है। मुसलमान होने के नाते तमाम ममालिक में मुसलमानों को बराबर के हकूक देने के लिए बात करेंगे। भारतीय मीडिया तालिबान मुखालिफ प्रोपागेंडा करता है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। तामीराती शोबे के लिए रिलीफ पैकेज तकलीफ बन गया। सीमेंट और सरिया की कीमत आसमान को छूने लगी। सीमेंट की बोरी 700 रुपये में फरोख्त होने लगी। 1,12,000 में मिलने वाला सरिया 1,25,000 रुपये फी टन तक बिकने लगा। लागत बढ़ने पर बिल्डर्स भी परेशान हो गए और गरीब के लिए सर छुपाना ही नहीं बल्कि दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। साल महीने हफ्ते नहीं, अब महंगाई दिनों में बढ़ने लगी। दर्जा अव्वल घी 15 रुपये महंगा कर दिया गया। फी किलो कीमत 350 रुपये हो गई। दर्जा दोम का ऑयल 5 रुपये इजाफे से 315 रुपये फी लीटर हो गया। पंजाब में गंदम की कीमत 2,115 रुपये तक जा पहुँची। मुख्तलिफ शहरों में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में भी 100 रुपये तक का इजाफा हो गया। झंग में 20 किलो आटे का थैला 1,170 रुपये में फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल्स मालिक कहते हैं कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने नून लीग से ज़्यादा और सस्ती सड़कें बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं पिछले अदवार में बनाई गई मोटरवेज से मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, हमने माजी की हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनाईं। सियालकोट खारिया मोटरवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी गलत करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिलियनरी सुनामी मंसूबा शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मंसूबे पर काम बंद हो गया और अहलकार हड़ताल पर चले गए। 16 सितंबर से पेशावर असम्बली चौक पर धरने का ऐलान भी कर दिया। फयाजुल हसन चौहान को आपने मुखालफीन को दंदान शिकन जवाब देते तो देखा होगा, लेकिन उनके सामने जो भी अकड़े उसे चीर कर रखने की सलाहियत भी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ऑपोजिशन को तो अपना निशाना बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक फीता अकड़ गया और कैंची से भी नहीं कट रहा था। इस बार वो अपने हलके में इलेक्ट्रॉनिक दुकान का इफ्तिताह कर रहे थे, लेकिन फीते ने कैंची के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। कैंची कुंद थी या फीता ढीठ, लेकिन फयाजुल हसन चौहान को कौन रोक सकता है। फयाजुल हसन चौहान ने दांतों से ही फीते का तिया पांचा कर दिया और मौजूद शुरुका की खूब दांत समेटी। उनका झटका अंदाज सोशल मीडिया पर भी लोगों को खूब भाया, बल्कि दांतों से फीता काटकर नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का इख्तियार पार्टी को दे दिया है। नहीं, 14 अक्टूबर को तो मियां साहब वापस नहीं आ रहे। मियां साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि नाउ विद इन फ्यू वीक्स आर 2-3 मंथ्स उनका जो ऑपरेशन है जो कोविड की वजह से जो है वो डिले हो रहा था वो हो जाएगा और अल्लाह करे कि वो रूप सेहत हो जाएं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकली पार्टी देखेगी कि उनका किस वक्त आना जो है हमें सूट करता है, तो उसके मुताबिक ये फ़ैसला पार्टी करेगी। और मियां नवाशी साहब ये इख्तियार पार्टी को दे चुके हैं कि उनकी वापसी का फ़ैसला जो है वो खुद नहीं करेंगे, उनके डॉक्टर्स करेंगे या फिर उसके बाद पार्टी करेगी। पीडीएम सरबराही इजलास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बुलाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सरबराही इजलास 10 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान ने अहम रहनुमाओं से मुशावरत भी कर ली है। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और मीडिया को दरपेश मसाइल भी सरबराही इजलास के एजेंडे में शामिल हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बुलाने का फैसला कर लिया गया है।
तहरीक इंसाफ ने कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के दौरान फौज की तायुनाती का मुतालबा कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर सैफुल्ला खान नियाजी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की अदम मौजूदगी में धांधली के रास्ते खुले हैं। माजी के तजर्बे से साबित है कि फौज को सिक्योरिटी पर मामूल किए बगैर इंतखाबात शकूक व शुबहात की जद में रहते हैं। अमन अमान का माहौल कायम रखने के लिए फौज के जवानों को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तायुनात किया जाए। कराची में बादलों की इनिंग्स जारी है। नाजिमाबाद, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन, गुलशन हदीस समेत कई इलाकों में बारिश हुई। सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मॉनसून अलर्ट जारी कर दिया। इसी बारे में रबिया खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाएं और बरसात ने मौसम खुशगवार बना दिया। औरंगी, नाजमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बल्दिया और मंगोपीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी। PDMA सिंध ने महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मरासले के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। ये सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। इससे ज्यादा की तवक्को की जा सकती है। कल यानी मॉडरेट और विद ओकेजनली हेवी शावर्स भी होंगे कहीं कहीं पर, कल शाम और कल रात को खासकर। अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। मोर देन 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, यानी 30 से 40 मिलीमीटर के दरमियान आप रफली एस्टिमेटेड भी कह सकते हैं इतनी हो सकती है। और जाहिर है कि लो लाइंग एरियाज के लिए थोड़े वक्त में इतनी बारिश पड़ जाए तो वो फिर पानी वानी खड़ा होने का खदशा रहता है। बारिश के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने टिकटॉकर आयशा अकरम की शनाख्त परेड की रिपोर्ट जारी कर दी। आयशा अकरम ने 6 मुलजिमों को पहचाना, 4 ऐसे मुलजिमों को भी शनाख्त कर डाला जो पहले से मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में कैद हैं। ब्रिटेन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।